लेट स्टडी द न्यू चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस यूनिट एंड टेंथ चैप्टर ऑफ द पीयू सेकेंड ईयर. द यूनिट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर. इन दैट द फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, द सेकेंड इज स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. Firstly, I want to explain the meaning of this chapter. Microbes in human welfare. What do you mean by that? Firstly, what is microbes? Microbes means microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are nothing but these are the organism which can't be seen to our naked eyes. Example, virus, bacteria, etc. These microbes in human welfare. What do you mean by human welfare? How the microbes are working in human welfare? Kis tarah se microbes manushya ke uddhar ke liye kaam kar rahe hain? Ek cheez is chapter mein hum janenge. What are the content of this chapters? Microbes in household product, microbes in industrial products, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as a biocontrol agent, microbes as a biofertilizers. These are the topic should be covered in this chapter. This chapter carries 6 to 8 marks in the annual examination. Microbiology. What do you mean by microbiology? It is the study of microorganisms is known as microbiology. The study of microorganism is called microbiology. Who is a microbiologist? The one person, scientist, who studied on microorganisms are called microbiologist. This is one of the most important career nowadays to study the microorganisms. Some of the famous microbiologists are Louis Pasteur, Robert Hooke. They have worked a lot on this. Let us study one by one. First one is microorganism. As I told earlier, microorganism are the one which can't be seen to our naked eyes. Can't be seen to our naked eyes means हम अपनी आँखों से उनको देख नहीं पाएंगे. उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, जिसके अंदर ढेर सारे लेंसेस रहेंगे जो उन माइक्रोब्स को कई गुना उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हमको दिखेंगे. ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, एक कौन सा माइक्रोब्स है? जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोवा, वायरस, वायरल, प्रायोन्स एक्सेट्रा. दीज आर ऑल द माइक्रोब्स. इन दैट वी हैव स्टडीड सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाउ दे ब्रिंग डिजीज सच एज टाइफाइड, रिंग वॉर्म, अमीबायसिस, राइनो वायरस, निमोनिया. दीज ऑल ब्रिंग डिजीज ऑन द ह्यूमन बींग्स. फ्रॉम राइनो वायरस टू करोना वायरस विच वी आर फेसिंग नाउडेज, किस तरह से वो हमारे ऊपर हावी हो चुके हैं. ये सभी माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही घातक माने जा चुके हैं अभी तक, जिससे हम फेस कर रहे हैं. इसके लिए ये माइक्रोब्स हमें बहुत ही नुकसानदायक हैं. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, उनके नुकसान को नहीं पढ़ने वाले. वी आर गोइंग टू स्टडी द मेरिट्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये ना केवल हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं. सबको क्या पता है हम क्या मानते हैं माइक्रोब्स को. माइक्रोब्स को कहा जाता है ये हमारे दुश्मन हैं, दीज आर आवर एनिमीज बाय ब्रिंगिंग सो मेनी डिजीजेस. बट नाउडेज वी शुड नो दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द वर्किंग एज अ इन अ ह्यूमन वेलफेयर. ये हमें अपने उद्धार के लिए काम करने वाले, ये इस चैप्टर का मेन मुख्य कारण हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वे व्हाट इज द हैबिटेट, वेयर डज दिस माइक्रोब्स लिव, ये कहाँ पे रहते हैं. अब इस
इसका उत्तर मैं क्या दूं आपको, माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं, मतलब हर जगह रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, ये पूछो कहाँ नहीं रहते हैं, सराउंडिंग इन द एयर, इन द सॉइल, इन द वाटर एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, इट इज फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो और हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे कैन टॉलरेट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, कोल्ड एक्सेट्रा। अब हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिसाइड द माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। माइक्रोब्स प्लांट और एनिमल के बावजूद ये भी एक मेजर कंपोनेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारे पृथ्वी के ऊपर मौजूद है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द क्लास 11, दैट इज इन द पीयूसी फर्स्ट ईयर। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन द माइक्रोजम? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, एक कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट ईयर में आप जान चुके हैं। विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, ये ऐसे हैं जो हमारे लिए माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे हम अभी बात कर चुके हैं, ये हर जगह मौजूद है। हर जगह मतलब सॉइल में है, वाटर में है, एयर में है, इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो, हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। एंड दैट ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट, ये ना केवल एनिमल्स में बल्कि प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट द साइट्स, सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, दैट इज थर्मल वेंट्स, वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस, डीप इन द सॉइल, अंडर द लेयर्स ऑफ द स्नो सेवरल मीटर्स थिक एंड इन अ हाईली एसिडिक एनवायरमेंट। व्हाट दिस लाइंस आर गोइंग टू टेल अस, माइक्रोब्स ऐसे हैं कि हर प्रकृति की, हर एनवायरमेंट सहने की क्षमता उनके अंदर है। जैसे कि दे एग्जिस्ट इन अ डीप इनसाइड ऑफ द गीजर, गीजर मीन थर्मल वाटर जो बहुत ही हॉट रहता है वहाँ पे रहने के केपेबल हैं, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वहाँ पे रह सकते हैं, फर्स्ट ईयर में हम ये भी पढ़ चुके हैं, डीप इन द सॉइल, सॉइल के डीप में अंतर में वहाँ पे रहने के काबिल हैं, अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो जहाँ पे बहुत ही ठंडी रहते हैं, थिक लेयर ऑफ स्नो रहता है वहाँ पे रह सकते हैं, एंड इवन एसिडोफिलिक एसिडिक एनवायरमेंट ऑल्सो, कैसे भी एसिडिक प्रकृति हो वहाँ पे रहने की क्षमता इनके अंदर है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोवा, बैक्टीरिया, फंगाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरट्स एंड प्रायंस दैट आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट। ए माइक्रोब्स एक डाइवर्स प्रोटोजोवा में है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड वायरसेस, वायरट्स एंड ऑल्सो प्रायंस दैट आर प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट। दिस आर कॉल्ड एज अ प्रोटीनियस, एक प्रोटीन से भरा हुआ एक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो डिजीज को फैलाने में भी मदद करते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन द फिगर, इन द नेक्स्ट पेज आई विल शो यू। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडिया टू फॉर्म द कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज। सच कल्चर आर यूजफुल इन अ स्टडीज ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम टू फॉर्म द कॉलोनीज, ये कॉलोनीज क्या रहते हैं, कॉलोनीज मतलब ये हमारे जनरल में जो बात करते हैं वो कॉलोनीज नहीं है, कॉलोनीज मतलब ए वाले कॉलोनीज, जहाँ पे हमें एक न्यूट्रिएंट मीडिया रहता है, पेट्री प्लेट, जैसे कि आप क्लासरूम में लैब में देख चुके हो, ऐसे पेट्री प्लेट्स में एक न्यूट्रिएंट मीडिया लिया जाता है, उनके ऊपर माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है। जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, ये है हमारे माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के कॉलोनी, माइक्रोब्स नहीं है, माइक्रोब्स के कॉलोनी को कहा जाता है। ए माइक्रोब्स उनको कल्चर किया जाता है, कल्चर मतलब उनको ग्रो किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, स्पेरिकल शेप्ड, कोकस रॉड शेप्ड है, स्पेरिकल शेप्ड है, ये फ्लैजलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये एडिनोवायरस है, ये टीएमवी है, ऐसे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स के शेप्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पेट्री डिश में एक न्यूट्रिएंट मीडिया लिया जाता है जहाँ पे फंगल, वायरस, बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो किया जाता है, इस टेक्निक को हम कल्चर करना कहा जाता है।
In the chapter 8, you have read the microbes cause a large number of disease in a human beings. हम human health and disease chapter में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम वहाँ पे diseases, कई सारे डिजीज हम देख चुके हैं वहाँ पे, डिजीज किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को फैलाते हैं पढ़ चुके हैं. दे आल्सो कॉज द डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल. ये पढ़ने के बावजूद हमारे दिमाग में एक बात न आनी चाहिए कि हर माइक्रोब्स ना केवल डिजीज को फैलाते हैं, ये माइक्रोब्स डिजीज के अलावा भी इंसान के उद्धार के लिए, इंसान के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन अ डाइवर्स वे, ना में डिफरेंट वे. सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोब्स टू द ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम डिफरेंट माइक्रोब्स देखेंगे और उनके किस तरह से वो वेलफेयर करते हैं, हमको यूज़ होते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे. थैंक यू.